दोस्तों, अगर आपको एक सांप काट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो मत कीजिए जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। जहर को अपने मुंह से सक करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज है करना, क्योंकि आप अपने मुंह को भी रिस्क पर डाल रहे हैं। वो जो पॉइजन है वो आपके मुंह से भी स्प्रेड हो सकता है। फिर दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि बर्फ लगाना शुरू कर देते हैं उस एरिया पर जहां पर सांप काटा है। ये भी मत कीजिए, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो जहां पर घाव हुआ है आपको, साबुन के पानी से उसे साफ कीजिए। फिर जहां पर बाइट हुई है उसके ऊपर आप अपने पैर को कपड़े से बांध सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट मत बांधिए। जो भी कपड़ा आप बांधे कट के ऊपर, वो कम से कम इतना लूज होना चाहिए कि एक फिंगर आपकी वहां पे जा पाए। अगली चीज, जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस को फोन कीजिए, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए, ताकि टाइम पर आपको एंटी वेनम दिया जा सके। जिस समय आपको सांप काटा है टाइम भी नोट कर लीजिए, और अगर आपने सांप को देखा था तो उसकी अपीयरेंस भी नोट कर लीजिए, पहचानने में काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक मत कीजिए, शांत बैठे रहिए, ज्यादा हिलिए मत, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये जहर आपके बॉडी के बाकी एरियाज में फ्लो कर जाए। तो अपने पैर को एक नीचे के लेवल पर ही रखिए।